हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है ये पूरी यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी, यानी कि इसके जितने भी क्वेश्चन शेष बचे थे वो आज मैं आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम्पल बताए गए थे इसके पहले वाले सेशन में, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा उसको मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में भी करने के लिए दूंगा, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करा दिया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। यहां पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, अब देखिए ये दिया गया ऐसा, जब भी इस तरह से लिखा जाता है तो इसका मतलब यहां पर ये एक महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है। कैसा फलन दिया गया है? ये आपको एक महत्तम यानी कि मैक्सिमम पूर्णांक फलन दिया गया है। इसका मैंने आप सभी को ग्राफ भी बताया, जब मैंने अवकलन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है इसका ग्राफ सब कुछ बताया गया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दे दिया जाए 1.2 या फिर 1.5 या फिर 1.6, कुछ भी दिया है 3.2 दिया गया है, तो जब भी महत्तम पूर्णांक फलन की बात होगी तो सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए, जो आपका पूर्णांक है वही यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 1 है तो कितना आएगा 1, 1.5 है तो यहाँ पर भी 1, 1.6 है तब भी इसका मान कितना आएगा 1, जब आप महत्तम पूर्णांक फलन ज्ञात करेंगे तो 3.2 है तब भी इसका मान कितना आएगा 3, जो आपका पूर्णांक है वही यहाँ पर इसका मान आ जाता है सिंपल तरीके से। या फिर आप कह सकते हैं जो दो यहाँ पर अंक दिए गए इनमें जो पहले वाला है हमेशा यही आपका यहाँ पर मान आ जाएगा, तो ये आपके महत्तम पूर्णांक फलन कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है ये कैसा है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। मैंने आप सभी को इसका ग्राफ भी बताया था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, बाकी उस ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया गया है इस तरह से, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2 इस तरह से दिया गया है, फिर आपका ये +1, +2, +3, इधर आपका -1, -2 इस तरह से दिया गया। मैंने इसका ग्राफ बताया था, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये आपका बंद गोला, यहाँ पर होता है खुला गोला, फिर आपका ये बंद गोला, ये हो जाएगा खुला गोला, फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा बंद गोला फिर खुला गोला। मैंने इसका पूरा ग्राफ बताया आपको डिटेल में, तो यहाँ पर उन सभी की जरूरत नहीं, बस आप ये यहाँ पर मान के चलिए कि आपको एक महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बोला गया है। और कह रहा है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये किस प्रकार से परिभाषित है, R to R, मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ये फलन परिभाषित है। तो कह रहा है कि ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है, जहाँ पर x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, जहाँ पर ये जो है इसके बराबर या इससे कम के महत्तम पूर्णांक को पहले ही बता दिया, इसके बराबर या इससे कम इसको जो है यहाँ पर ये महत्तम पूर्णांक निरूपित कर रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स बराबर, ये आपको दिया गया है महत्तम पूर्णांक, और यहाँ पर जो फलन परिभाषित है वो आपका आर टू आर, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो यहाँ पर प्रांत में भी वास्तविक संख्या है और सह प्रांत में भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यदि x बराबर 1.2, तो अगर x बराबर 1.2 है तो यहाँ पर अगर आप एफ एक्स निकालें यानी कि f 1.2 निकालें, तो अभी मैंने बताया कि इसका जैसे ही आप महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो 1.2 का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने x का मान 1.6 या फिर मान लीजिए 1.3, 1.4 कुछ भी ले लिया, तो अब आप ज्ञात करेंगे f 1.4, तो इस स्थिति में भी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f ऑफ 1.2 बराबर f ऑफ 1.4, मतलब ये दोनों फंक्शन के जो मान हैं वो बराबर हैं, 1 है, लेकिन अगर इधर बात करें तो 1.2 और जो आपका ये दिया गया 1.4, क्या ये बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर इन दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, और दो अवयवों का एक प्रतिबिंब होता है तो इसका मतलब फंक्शन जो है आपका एकैकी नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो फलन है वो एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में जो है बता सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका एकैकी नहीं है।
अब इसके बाद यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, आच्छादक की। तो ये बात तो हो गई एक एकी की। अब आच्छादक को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो फंक्शन दिया गया आपको, ये आर से आर में परिभाषित है, मतलब यहां पर अब आपको पता है जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो आपकी 0, -1, -2 इस तरह से होंगी, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा आपका 1, 2 इस तरह से माइनस में होंगे, यहां पर 0, यहां पर आपका हो जाएगा 1, 2। ये आपकी वास्तविक, और वास्तविक संख्या की बात जहां पर होती है तो आपको पता है कि वास्तविक संख्या में आपके माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं, 1.5, 1.6 ये सभी भी आपके वास्तविक संख्या होती हैं, यहां तक कि रूट वाली संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर, जैसे कि इसका मान लीजिए पूर्व प्रतिबिंब यहां पर होगा, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब होगा, लेकिन अगर कहीं पर आपको 1.5 दिया गया हो जो कि वास्तविक संख्या है, तो इसका कहीं पर भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और महत्तम पूर्णांक फलन में जैसे ही आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब अगर कहीं इधर 1.5 दिया गया तो इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। जितने पूर्णांक हैं उनका तो मिल जाएगा, लेकिन जो दशमलव में है 1.5, 1.6 इनका कहीं पर भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है, और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि यहां पर पूर्णांक के अतिरिक्त जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आपको प्रांत में नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी संख्या आपकी छूट गई इधर, मतलब जिसका कि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो वो आच्छादक नहीं होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वाई के, या फिर वाई ना लिख के आप यहाँ पर लिख दीजिए कि पूर्णांकों के अतिरिक्त, पूर्णांकों के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब, का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन जो है आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। देखिए लैंग्वेज तो आपको याद हो गई होगी, क्योंकि इतनी बार मैंने ये आपको बताया है किस तरह से लिखना है, तो ये अब आप सभी को सारे पॉइंट जो है वो याद होंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो फलन था वो आर से आर में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और ये महत्तम पूर्णांक फलन है, तो किसी भी दशमलव संख्या का मान जो होगा वो 1 या यहाँ पर इस तरह से आएंगे पूर्णांक में ही, तो जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यही बताया गया कि पूर्णांकों के अतिरिक्त किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में जो है पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, यानी कि जो फंक्शन है आपका वो यहाँ पर आच्छादक नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरीके से दिया गया, केवल वहां पर महत्तम पूर्णांक फलन था, अब की बार आपसे बताया गया है यहाँ पर ये जो दिया गया है, अब की बार ये मॉड वाली संख्या आपको दी गई है, और यहाँ पर बताना है आपको कि ये जो है आर टू आर में ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। जहां पर मॉड एक्स किसके बराबर है, एक्स के, और यदि एक्स धन है या शून्य है तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स, और यदि एक्स यहाँ पर क्या है आपका ऋण है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस सीधे सीधे देखिए यहां पर जो आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, और आप मॉड ऑफ एक्स का मतलब जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब इसकी दो वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, अब ध्यान दीजिए, एक तो यहां पर इसका मान आपका धनात्मक हो सकता है और दूसरा मान ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, धनात्मक उस स्थिति में होगा आपका जब एक्स का मान यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, तब उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, धनात्मक। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो
तो उस स्थिति में इसका मान ऋणात्मक हो सकता है। आपको मैंने कई बार बताया मॉड वाली संख्या को इस प्रकार से आप दो रूपों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि x बराबर कुछ भी मान लीजिए तीन मान लेते हैं। तो अगर x बराबर तीन है यहाँ पर, तो एफ एक्स बराबर, या फिर बोल सकते हैं आप एफ थ्री बराबर कितना आएगा। देखिए x बराबर तीन है तो तीन क्या है, जीरो से बड़ा या छोटा, जीरो से बड़ा है। तो अगर जीरो से बड़ा है तो इसका मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि इस स्थिति में इसका मान कितना आएगा, आपको पता है मॉड एक्स है तो तीन का मॉड निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तीन ही तो आएगा। आप किसी भी संख्या का अगर परिमाण निकालते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया एक्स का मान माइनस तीन, अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए, अब कितना लिया आपने माइनस थ्री लेने पर अगर इसका आप मॉड निकालेंगे तब भी इसका मान कितना होता है, पॉजिटिव ही तो होगा क्योंकि आप परिमाण निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तीन लेने पर भी इसका मान कितना आया, तीन, माइनस तीन लेने पर भी इसका मान कितना आया, तीन। मतलब माइनस तीन और तीन इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, और अगर एक ही प्रतिबिंब आ रहा है तो इसका मतलब ये फिर एकाकी नहीं होंगे। आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि चूंकि एफ थ्री इज इक्वल टू एफ माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पर जो है थ्री इज नॉट इक्वल माइनस थ्री। तो यहाँ पर जो है इन दोनों फंक्शंस के प्रतिबिंब तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो फलन है वो एकाकी नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अब अगला समझिए, देखिए जो यहाँ पर कह रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर में ये आपका परिभाषित फलन है R से R में, ठीक है। और पहले ही बता दिया गया कि एफ एक्स बराबर क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स। तो अब आपको पता है यहाँ पर अगर मान लीजिए जीरो है, माइनस वन है, माइनस टू है, ठीक है, आपका यहाँ पर प्लस वन है, प्लस टू है, इस तरह से कुछ भी दिया गया, जीरो वन टू माइनस वन वन टू। तो अब देखिए जैसे ही इधर की कोई भी संख्या आप लेते हैं यहाँ पर, चाहे आप माइनस टू लीजिए, चाहे आप माइनस वन लीजिए, चाहे आप जीरो लीजिए, आपको पता है कि जैसे ही आप माइनस टू रखेंगे और माइनस टू का परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का टू आएगा। माइनस वन लेंगे इसका परिमाण निकालेंगे तो भी आपका वन आएगा। अगर आपने प्लस वन लिया तब भी इसका मान वन आएगा, टू लिया तब भी इसका मान टू आएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक तो दो अवयवों का एक प्रतिबिंब मिल गया मतलब एकाकी नहीं है, दूसरा जितने भी इधर ऋणात्मक वाले हैं उन सभी का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा क्योंकि जैसे ही परिमाण निकालेंगे तुरंत वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ऋणात्मक मान आएगा नहीं। मतलब जितने भी ऋणात्मक मान होंगे इस वाले में सहप्रांत में इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और अगर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पर फिर आच्छादक भी नहीं होंगे। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर ये हो जाएगा, ये भी फंक्शन क्या होगा आपका, ना तो एकाकी होगा और ना ही यहां पर आच्छादक होगा। बस यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। बस आपको लैंग्वेज समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी ऋणात्मक मान हैं कोई भी मान आप रख के देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको रख के बताया, मैंने तीन रखा तो भी इसका मान तीन मिला, मैंने माइनस तीन रखा तो भी इसका मान तीन लिखा। इसका मतलब इस तरफ कोई भी मान अगर ऋणात्मक वाला देखेंगे तो सारे छूट जाएंगे, किसी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा क्योंकि सारे के सारे मान जो होंगे इनका मान पॉजिटिव आएगा परिमाण ज्ञात करने पर। तो ऋणात्मक संख्या अगर यहाँ पर बच गई है, शेष बच गई है, उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो मतलब आच्छादक नहीं है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये आपका और भी सिंपल है,
सीधे सीधे आपको पहले ही बता दिया गया है यहाँ पर एफ एक्स की कंडीशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ एक्स के बारे में जो यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है। एफ एक्स के लिए क्या बताया गया कि जो एफ एक्स है आपका ये वन होगा किस कंडीशन में, जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। अगर एक्स का मान 0 के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर एक्स का मान -1 होगा तो इसका मान 0 से छोटा होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि एक्स बराबर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक्स का मान कितना ले लेते हैं, 1। थोड़ी देर के लिए मैंने कितना ले लिया, एक्स का मान 1। तो जैसे ही हम लोग एक्स का मान 1 लेंगे तो मतलब F1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग कितने रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए अपने वाले में। अब हम लोगों ने अगर एक्स का मान 1 लिया तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, सभी लोग जानते हैं। तो अब आपको पता है कि अगर एक्स का मान 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में इस फंक्शन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब चाहे तो आप F1 लिख दीजिए या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना आएगा, 1। किस कंडीशन में, जब आप एक्स का मान 1 लेंगे, 1 आपका 0 से बड़ा है, उस कंडीशन में ये आएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स का मान 2 ले लिया, एक्स का मान मैंने कितना लिया, 2। तो अगर मैंने 2 लिया तो अब ध्यान दीजिए एफ एक्स बराबर, अब 2 लेने पर क्या होगा, ये भी तो आपका 0 से ही बड़ा है 2। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब फिर से इस फंक्शन का मान कितना आ गया, 1। अब आप तुरंत बता सकते हैं कि एक एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब फलन आपका एक एक ही नहीं है। तो सीधे आप बता सकते हैं कि अतः फलन एकैकी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये फलन आपका एकैकी नहीं है, तुरंत क्लियर हो गया। यहाँ पर केवल आप इस फंक्शन को देखकर बता सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर जो है एकैकी नहीं है। अब साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना है क्या है आपको, ये जो फंक्शन था ये रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो रियल नंबर से जब रियल नंबर में ये फंक्शन परिभाषित है तो इसके लिए कुछ पॉइंट समझिए। चलिए देखिए, ये जो मैं बना देता हूँ ये आपको मैं समझाने के लिए बनाता हूँ, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, रियल नंबर का मैंने बताया कि 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0, -1, -2, 1, 2, 3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो क्या कह रहा है कि अगर मान आपका एक्स से बड़ा है यानी कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े मान कितने हैं, ये सारे हैं। कोई भी मान अगर 0 से बड़ा है तो उसका मान कितना आएगा, फंक्शन का 1। मतलब 0 से बड़े सभी मानों के लिए इसका मान 1 आएगा, जितने भी मान होंगे उन सभी का प्रतिबिंब क्या होगा, 1। अगर मान लीजिए मान 0 है x का, तो 0 की कंडीशन में इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा फंक्शन का मान। लेकिन अगर मान 0 से छोटा है तो इसका मान कितना आएगा, -1। अब 0 से छोटे में -1 आ जाएगा तब भी इसका मान -1 आएगा, -2 लेंगे तब भी -1 आएगा। तो कुल मिला के ये निश्चित हुआ कि आपका 0, -1 और 1, बस यही तीन मान मिलेंगे इस फंक्शन के, इसके अलावा कोई अन्य मान नहीं मिलने वाला। तो मतलब अब इस वाली वास्तविक संख्या में जितने भी इनके अलावा मान दिए गए वो सभी शेष बच गए कि नहीं, और अगर शेष बच गए, छूट गए, यानी कि इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि ये अच्छा तक भी नहीं है। तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि -1, ये आपका वाई के मान की बात हो रही है, ठीक है, वाई बराबर -1, 0 और 1 के अतिरिक्त के अतिरिक्त या फिर के अलावा लिख सकते हैं, के अतिरिक्त अन्य किसी वास्तविक संख्या, अन्य किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन जो है वो आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है।
यानी कि जो फंक्शन होगा आपका अच्छा तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया तीनों कंडीशन के मान दिएगा कि अगर जीरो है तो मान जीरो मिलेगा, जीरो से बड़ा कोई भी मान होगा तो हमेशा फंक्शन का मान वन मिलेगा, हमेशा वन ही आएगा। जीरो से छोटा कोई भी मान होगा तो आपको माइनस वन मिल जाएगा। बाकी शेष सारे मान शेष बच गए, उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल नहीं है, मतलब ये आपका यहाँ पर जो है अच्छा तक नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका और भी सिंपल है, इसमें ध्यान दीजिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक फंक्शन परिभाषित है आपका, यहाँ पर जो है देखिए आपका एक समुच्चय है ए, एक है बी, ए के अवयव हैं आपके 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं 4, 5, 6, 7। ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं। अब इनमें ध्यान दीजिए रिलेशन क्या दिया गया है, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है उसमें देखिए ये आपका रिलेशन है प्रकाश, 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 1,4 का मतलब 1 किससे कनेक्टेड है आपका, 1 कनेक्टेड है 4 से। और फिर क्या लिखा, 2,5 मतलब 2 कनेक्टेड है 5 से, 3,6 मतलब 3 कनेक्टेड है 6 से। इस तरह से ये आपको रिलेशन दिया गया है फंक्शन का। तो कह रहा है कि ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक है की है। अब तुरंत देख के बता सकते हैं कैकी है, आच्छादक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 7 शेष बच गया, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, मतलब केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर है। समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए जो है यहाँ पर एक अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए ये फलन क्या है, एक है कि। आपको सभी को पता है कि जब एक अवयव एक से ही कनेक्टेड होता है तो एक है कि फलन होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं कि चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयवों का एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक और एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एकैकी है। तो ये जो फलन होगा आपका क्या हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा। लेकिन अगर आच्छादक के बारे में पूछा गया होता तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये आच्छादक तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ही केवल एकैकी की हुई है कि क्या ये एकैकी है, तो ये फिर एकैकी है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए अब इसमें कुल मिला के आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं, मतलब एकैकी है या फिर आच्छादक है या फिर दोनों, मतलब एकैकी और आच्छादक दोनों है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पर पहला क्या है, एफ एक्स। यहाँ पर आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर 3-4x, ऐसा आपको दिया गया है। और जो फंक्शन परिभाषित है यहाँ पर वो आपका परिभाषित है R2R में, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकैकी की। तो एकैकी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कि माना एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यही हम लोग मानते हैं हमेशा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग x1 रखें तो इसका मान कितना आएगा, x1 रखने पर ये आएगा आपका 3-4x1। अगर यहाँ पर हम लोग x2 रखें तो इसका मान कितना आएगा, 3-4x2। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा -4x1 बराबर -4x2, -4 से 4 कट जाएगा तो ये आएगा x1 बराबर x2। और अगर ये कंडीशन होती है तो आपको पता है कि फलन क्या होता है, आज यहाँ पर एकैकी होता है। आप बता सकते हैं कि अतः फलन एकैकी है। तो
तो ये जो फंक्शन था आपका यानी कि जो फलन था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एकाएकी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ये जांच कर सकते हैं कि ये फलन एकाएकी है या नहीं। अब चलिए एकाएकी की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे आच्छादक की। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, तो अब अगर हम लोग आच्छादक की बात करें तो फिर से मान लेते हैं हम लोग कि माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब एफ एक्स का मान रखिए, एफ एक्स का मान कितना है 3-4x, ये हो जाएगा 3-4x बराबर वाई। मतलब अगर 4x निकालेंगे आप यहाँ से तो 4x उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-y, यानी कि x बराबर 3-y बराबर 4 इतना। अब देखिए y आपकी क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पर आपको पता है कि जो फंक्शन था ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर और वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो आपको पता है कि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल होगा क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में ही परिभाषित है। तो आप यहाँ पर y का कोई भी मान रख के चेक करिए, इसका पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल होगा क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। तो ये जो फंक्शन है यानी कि जो फलन है ये कैसा है आपका, आच्छादक है। इस तरह से आप बता सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन था आपका रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित था। तो आप वाई का कोई भी मान रख के चेक कर लीजिए, अगर आपने वाई का मान 1 रखा तो 3-1 करेंगे कितना आएगा 2, 2 से यहाँ पर 4 कैंसिल कर दीजिए, 1/2, 1/2 आपकी वास्तविक संख्या है, इसका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा आपको। कोई भी मान रख के चेक कर लीजिए, वाई के सभी मानों के लिए जो है पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, विद्यमान होगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है एकाएकी आच्छादी दोनों होगा, यानी कि एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, ठीक है। अब इसी का सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर 1+x2। फंक्शन फिर उसी प्रकार से परिभाषित है। अब की बार आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि एफ एक्स बराबर 1+x2, जहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, परिभाषित है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे पहले एकाएकी की। तो एकाएकी की अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। तो अगर यहाँ पर इनके मान रखें तो एक्स वन अगर रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1+x1, यहाँ पर मान रखेंगे एक्स टू तो 1+x2, 1 से 1 कट जाएगा, ये आएगा x1² और x2². अब आपको पता है कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित, तो फंक्शन ऋणात्मक भी होगा धनात्मक भी होगा। मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर तो +-x2 आएगा। इसका मतलब फलन क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x1 के दो मान आ गए, पॉजिटिव भी आ गया निगेटिव भी आ गया, यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः फलन एकाएकी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि फलन जो है वो एकाएकी नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहे तो आप दे सकते हैं, कोई भी मान ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स का मान क्या ले लिया, 2, ठीक है। अगर आप 2 लेते हैं एक्स का मान तो ध्यान दीजिए इससे क्या निकलेगा, एफ 2 बराबर, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 = 5, इतना आ गया। अगर आपने मान लीजिए एक्स का मान -2 ले लिया तो -2 लेने पर कितना आएगा, -2 रख के देखिए, -2 रखेंगे वर्ग करेंगे तो 2 × 2 = 4 आएगा, 1 = 5। तो कुल मिला के 2 का मान भी 5 आ रहा है, -2 का मान भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पर दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब अवेलेबल है, मतलब ये आपका एकाएकी
नहीं है, ये अब सभी को पता है। चलिए ये तो बात हो गई एक एकी की, अब हम लोग बात करने वाले हैं आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स का मान रखेंगे तो 1 + x² आएगा, बराबर आएगा वाई। x² बराबर 1 आपका उस तरफ जाएगा तो वाई -1 बनेगा। तो अब आपका यहाँ पर जो है x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट वाई -1। जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा, वाई -1 लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो ऐसा लिख दीजिए वाई -1। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर नहीं अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पर y का जो मान होगा, अगर आपने ये यहां पर जो है किससे ध्यान दीजिए, यहां पर 1 है, इसका मान अगर आपने 0 से छोटा रख दिया, तो जैसे ही आप y का मान 0 से छोटा रखेंगे, मान लीजिए आपने यहां पर 0 से छोटा क्या रखा, -1 रख दिया, तो इसका मान तुरंत ऋणात्मक मिल जाएगा। ऋणात्मक का मतलब ये आपकी अपरिमेय संख्या यहाँ पर बन जाएगी। तो y से छोटा यानी सॉरी, यहाँ पर आप 1 की बात करें, 0 की नहीं, क्योंकि 1 दिया गया। तो आप अगर 1 से छोटा कोई भी मान रख देते हैं, यहाँ पर 1 से छोटा कोई भी मान रखेंगे तो इसका मान निगेटिव मिल जाएगा। निगेटिव मिलने का मतलब फिर वो रियल, यहाँ पर रियल नंबर नहीं रह जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इससे छोटे सभी मानों के लिए जो है प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं y इज लेस देन 1 के लिए प्रांत में, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन फलन आच्छादक नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये जो है आच्छादक नहीं रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग y का कोई भी मान आप 0 से छोटा रख के देखिए, 0 सॉरी 1 से छोटा क्या होता है आपका, 0 होता है, -1 -2 इस तरह रखते चले जाइए, कुछ भी रख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो जैसे ही आप y का मान 0 रखेंगे, x का मान आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1, और -1 जो आपकी रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये अंडर रूट वाले -1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है आपका आच्छादक नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, ये अब आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है कि मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए। अब की बार ध्यान दीजिए, जो फंक्शन दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया, कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित फलन है। इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर आपको दिया गया है बी कॉमा ए, यहाँ पर इस फंक्शन का मान इतना दिया गया है, एक एक है कि आच्छादी फलन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन की बात करूंगा। देखिए अगर आपको ये फंक्शन समझना है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, देखिए आपको क्वेश्चन लिखना इस तरीके से नहीं, पहले समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको समुच्चय ए दिया गया है 1,4, कुछ भी दिया जा सकता है, 1,4, 6,3, कुछ भी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और समुच्चय बी आपको मान लीजिए दिया गया है ई कॉमा एफ, ऐसा दे दिया गया। तो अगर आपको यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ये मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया था कि ए क्रॉस बी का मतलब इन दोनों में जब संबंध बताएंगे, तो पहले तो 1 का संबंध इन दोनों के साथ, यानी कि 1,E, और इसके अलावा 1,F, और फिर 4 से आप संबंध दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 4,E, और फिर हो जाएगा 4,F। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर बनेगा क्या, ए क्रॉस बी। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें बी क्रॉस ए की, तो अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो सेम उसी तरह से ध्यान दीजिए, ये आएगा आपका ई कॉमा 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ई कॉमा 4, ई कॉमा 4, और इसके अलावा एफ कॉमा 1, ये हो जाएगा, और फिर एफ कॉमा 4, एफ कॉमा 4। तो ये क्या है आपका बी क्रॉस ए।
इस तरह से अगर ये दो समुच्चय दिए गए हैं तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फलन है ये ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में क्या है, परिभाषित है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपका है ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये जो दिया गया इसको मान लेते हैं ये आपका है बी क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो यहाँ पर है वन कॉमा ई, वन कॉमा एफ, फिर आपका फोर कॉमा ई और फिर है फोर कॉमा एफ। बी की बात करें बी क्रॉस ए की तो ये क्या है आपका ई कॉमा वन, ई कॉमा फोर, फिर एफ कॉमा वन और एफ कॉमा फोर। ये इस प्रकार से परिभाषित फलन है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो कंडीशन बोली गई है कि जो ए कॉमा बी है, फंक्शन ए कॉमा बी जो है ये क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि ये आपका एक्स होता है, इसे आप चाहे तो वाई बोल दीजिए या फिर एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप ये एक्स मान के चलिए, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ए कॉमा बी, इसका मान कितना आ रहा है बी कॉमा ए, यानी कि रिवर्स है। तो कुल मिला के जो वन कॉमा ई है वो किससे संबंधित है, ई कॉमा वन से। इसका मतलब वही तो है कि अगर आपको एफ ई कॉमा वन दिया गया तो इसका मान क्या आएगा, वन कॉमा ई, रिवर्स वाला, ठीक है। वन कॉमा एफ है तो ये कितना आएगा, एफ कॉमा वन। फोर कॉमा ई है तो ये आएगा ई कॉमा फोर। फोर कॉमा एफ है तो ये आएगा एफ कॉमा फोर। इस तरह से मान मिलेंगे। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो आप क्या बता सकते हैं, एक तो आपका एक अवयव से ही कनेक्टेड है, पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, इधर कोई भी अवयव शेष नहीं बच रहा है, इसके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल है। मतलब ये एक एकी भी है, आच्छादक भी है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि आपको ए क्रॉस बी फलन क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर सिद्ध कर सकते थे, ये आपकी को यहाँ पर बता दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए आपको एक एक की सिद्ध करना है, तो इसमें ध्यान दीजिए एक एक की कंडीशन। अगर हम लोग बात करें एकैकी की, तो एकैकी के लिए आप क्या बता सकते हैं, एकैकी की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो हम लोग मानते थे वो ऐसा मानते थे, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, यही मानते थे, यहाँ पर एक्स वन यहाँ पर एक्स टू। लेकिन कब, जब यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स होता था, लेकिन अब की बार क्या है ए कॉमा बी। तो उसी तरीके से इसको हम लोग ऐसा मानेंगे कि माना एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए टू कॉमा बी टू, इस रूप में मान लिया। अब ध्यान दीजिए ए कॉमा बी का मान क्या है, बी कॉमा ए, मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा आपका बी वन कॉमा ए वन बराबर ये क्या आएगा, ये आएगा आपका बी टू कॉमा ए टू। अब आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया था कि जब भी दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनकी अवयव यहाँ पर बराबर माने जाते हैं तुलना करने पर, यानी कि अगर इनकी तुलना करें तो यहाँ पर जो बी वन होगा वो किसके बराबर होगा, बी टू के बराबर होगा, और जो आपका ए वन होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका ए टू के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको ए वन कॉमा बी वन दिया गया है तो ए वन किसके बराबर है, ए टू के बराबर है, और बी वन किसके बराबर है, बी टू के बराबर है। तो आप ध्यान दीजिए वहां पर क्या आता था, एक्स वन बराबर एक्स टू, यहाँ पर क्या आया ए वन कॉमा बी वन बराबर ए टू कॉमा बी टू, यानी कि फलन क्या हो गया, एक है कि बस लिखने का तरीका अलग है, ये ध्यान रखिएगा कि अतः फलन एक है कि है, यानी कि जो फंक्शन है वो कैसा है आपका, एक है कि फंक्शन है। इस तरीके से ये याद कर लिया आपने कि फलन जो है वो एक है कि है। चलिए एक है कि की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे आच्छादक की। अब अगर हम लोग यहाँ पर आच्छादक की बात करें तो यहाँ पर कोई विशेष कंडीशन नहीं है, जैसे कि वहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, वहाँ पर हम लोग ये लिखते थे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। लेकिन यहाँ पर आपको ये मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आप जो क्वेश्चन में दिया गया था एफ ऑफ एक्स का मतलब ए कॉमा बी बराबर जो वाई आता था मतलब बी कॉमा ए,
इस रूप में लिख सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताया था वहां पर आपने देखा था कि प्रत्येक सह प्रांत में जितने भी अवयव थे उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल था। तो कुल मिला के आप बता सकते हैं कि यहां पर आपको पता ही है कि ये आपका क्या है प्रांत और ये आपका क्या है सह प्रांत। तो अब आप बता सकते हैं यहां पर कि सह प्रांत बी क्रॉस ए के, सॉरी बी क्रॉस ए, इसका प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जो है आपका प्रांत में अवेलेबल होगा। ठीक है, यहां पर आप बता सकते हैं कि के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए क्रॉस बी में विद्यमान है। अभी मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया था, यहां पर कोई सॉल्यूशन तो है नहीं इसका सॉल्व किया जाए, बस आपको ये लैंग्वेज ही यहां पर लिखनी है। ठीक है, यहां पर जो है पूर्व प्रतिबिंब जो है वो ए क्रॉस बी में विद्यमान है, या फिर बोल सकते हैं ए क्रॉस बी में परिभाषित है भी बोल सकते हैं आप। यहां पर विद्यमान की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं एक क्रॉस बी में परिभाषित है। अतः फलन जो है आपका वो आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था यहां पर एक क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक है कि और अच्छा देखे। बाकी लैंग्वेज आपको यहां पर इस तरीके से यूज करनी है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहां पर, अब जो ये क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह का, मैंने एक एग्जांपल बताया है यहां पर। देखिए ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, इसमें दो मान दिए गए, एन अगर विषम है एन अगर सम है, कतला के फंक्शन के दो मान है यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो फंक्शन परिभाषित है वो एन से एन मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है। तो क्या ये फलन जो है एकैकी और आच्छादी फलन है? इसके लिए ध्यान दीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, शायद एग्जाम्पल मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 यानी कि जो 12 नंबर एग्जाम्पल था। यहां पर भी देखिए जो फलन था वो एन से एन में परिभाषित था। इसके अलावा यहां पर भी जो फंक्शन के मान थे केवल वहां पर एफ एन लिखा गया, मतलब एन यहां पर एक्स लिखा गया, एक्स आपका विषम है एक्स आपका सम है। सेम इसी तरह से आपको वो क्वेश्चन करना है, तो अब वो आपका एच डब्ल्यू है। ठीक है, सभी लोग यहां पर जो है अब इस क्वेश्चन को स्वयं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको कंप्लीट करना है सभी को। तो अब आपका ये जो है एच डब्ल्यू है, और ये आपको किसकी तरह से करना है, ये आपको एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह। ठीक है, तो ये अब आप लोग इसकी तरह से स्वयं यहां पर हल करेंगे। इसके बाद देखिए अब इसमें देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है आपको ए, इसमें आपको क्या बताया गया है कि इसमें रियल नंबर आपको दिया गया है, लेकिन यहां पर तीन को छोड़ करके, अब तीन क्यों छोड़ा गया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपका समुच्चय बी है ये इसमें भी आपके रियल नंबर दिए गए, लेकिन यहां पर आपका वन छोड़ दिया गया है, इसमें आपका तीन नहीं है और इसमें आपका वन नहीं है, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है, तीन को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं आपके समुच्चय ए में है, और यहां पर वन को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं समुच्चय बी में अवेलेबल है। ऐसा क्यों किया गया, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो जो फंक्शन दिया गया आपको वो ऐसा दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू बट्टे में है आपका एक्स माइनस थ्री। अब देखिए जैसे ही आपने यहां पर तीन रखा, इसमें तीन क्यों नहीं लिया गया वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप तीन रखेंगे तीन माइनस तीन मतलब जीरो, तो जीरो से भाग करने पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा यहां पर, इसलिए यहां पर तीन को छोड़ दिया गया है ताकि यहां पर इस फंक्शन का मान इनफाइनाइट ना आए, इसलिए यहां पर जो है आपका ये तीन छोड़ा गया है। वन क्यों छोड़ा गया वो भी अभी आपको आच्छादक की कंडीशन में समझ में आएगा। चलिए पहले इतना ध्यान दीजिए इस तरीके से है, और ये जो फलन आपका परिभाषित है ये समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो फलन है एकैकी तथा आच्छादक हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। क्या ये दोनों यहाँ पर एकैकी और आच्छादक हैं, आपको अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकैकी की।
अब ध्यान दीजिए, एक है कि अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मान लेते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। अब आपको मान रखना है, तो अगर आपने यहां पर एक्स वन रखा तो एक्स वन रखने पर ये कितना बनेगा, एक्स वन माइनस टू बट्टे में हो जाएगा एक्स वन माइनस थ्री, इतना आएगा। अगर आपने एक्स टू रखा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स टू माइनस टू और बट्टे में हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस थ्री। इस तरीके से ये मान इतना आया। अब आपको यहाँ पर जो है इसका क्या करना है, गुणा करना है। चलिए, गुणा आपको पता है कि तिरछा गुणा होता है, तो सबसे पहले एक्स टू से इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स टू से इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का टू एक्स टू, फिर तीन से करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स वन, और फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस तीन दूनी छः, इतना आया यहाँ पर। ये हम लोगों ने गुणा किया इस भाग का। अब इधर इसका गुणा करिए, पहले एक्स वन से इसमें होगा तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू, फिर आपका एक्स वन से दो में करेंगे तो माइनस का टू एक्स वन हो जाएगा, फिर तीन से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स टू, और फिर हो जाएगा तीन दूनी छः, माइनस माइनस मिलके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस छः। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये छः से छः कट जाएगा, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट जाएगा, इस तरह से इतना कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर है आपका माइनस का, सॉरी इसको लिखते हैं पहले हम लोग, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स वन, एक्स वन इधर ले आइए, तो जब ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा टू एक्स वन, यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस में थ्री एक्स टू, जब ये वाला टू एक्स टू इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये इतना हो गया। अब थ्री से ये वाला घटा दीजिए तो माइनस एक्स वन, इसको घटा दीजिए माइनस एक्स टू, माइनस से माइनस कट जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। और अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब फंक्शन जो होता है आपका वो एकैकी होता है, यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः फलन एकैकी है। तो कुल मिला के जो फंक्शन था आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका एकैकी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में इतना बता सकते थे। तो ये फंक्शन आपका एकैकी तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आच्छादक की। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आच्छादक के लिए, तो अगर आच्छादक की बात करें तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो अगर यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एक्स का मान रखें ये वाला, तो एक्स माइनस टू बट्टे में हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बराबर में हो जाएगा वाई। तो वही ध्यान दीजिए, अब अगर इसका हम लोग इधर गुणा कर दें तो ये आएगा आपका एक्स माइनस टू, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका थ्री वाई। एक्स वाई आप इस तरफ लाइए तो एक्स माइनस एक्स वाई, ये आपका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई, क्योंकि टू प्लस हो गया ये माइनस में था। अब इसमें से एक्स कॉमन लीजिए, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई बराबर में हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई। अब अगर आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात की तो टू माइनस थ्री वाई बट्टे में आपका हो जाएगा वन माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने बताया था कि समुच्चय बी में आपका वन क्यों शामिल नहीं था। अगर आपने यहाँ पर वन रखा तो वन माइनस वन यानी कि जीरो, और जीरो से भाग करने पर इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए वन को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर आप रख लीजिए वाई का, हमेशा आपको पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए में भी सारे आपके रियल नंबर ही दिए गए थे। तो यहाँ पर आप वाई में वन का कोई भी मान छोड़कर आप इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब एक्स में मिल जाएगा। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर वही लाइन लिख देनी है, यहाँ पर y के प्रत्येक मान के लिए जो है प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है आच्छादक हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर फोर, ठीक है, और जो फलन आपका परिभाषित है ये कहाँ से, आर टू आर में परिभाषित है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दें
अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी एक मान ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर f का मान जो है, सॉरी x का मान -2 ले लिया, x बराबर कितना लिया -2, या फिर मान लीजिए 2 ले लिया। तो अगर आप x का मान 2 ले लेते हैं तो x का मान 2 लेने पर f 2 कितना आएगा? देखिए यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 2 की घात 4 करेंगे तो 2 की घात 4 रखने पर कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा। अगर आपने x का मान -2 रख दिया तो भी f(-2) बराबर कितना आएगा? 16 ही आएगा, क्योंकि घात में यहाँ पर जो है आपको पावर में 4 दिया गया है। और सम संख्या तो आप कुछ भी रखिए, चाहे पॉजिटिव मान रखिए चाहे नेगेटिव मान, दोनों एक ही आए। तो यहाँ पर देखिए 2 लेने पर और -2 लेने पर मान एक ही आ रहा है, मतलब एक है कि नहीं है, सीधे कंफर्म हो गया कि एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है, तुरंत कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन जो है आपका एक है कि नहीं है। और अगर ये एक है कि नहीं है तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 0 -1 -2, यहाँ पर आपका +1 +2, उसी तरह से यहाँ पर भी -1 -2 +1 +2, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू होंगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रांत में आपका x है, x की पावर 4, किसी भी संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो हमेशा इसके सारे मान पॉजिटिव ही आएंगे, मतलब इसमें से किसी भी संख्या का प्रतिबिंब निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन तो फिर यहाँ पर जो निगेटिव मान है इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? जितने भी ऋणात्मक मान हैं यहाँ पर इनका जो है पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब ये जो है आपका आच्छादक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ये आच्छादक नहीं है, एकैकी नहीं है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प नंबर डी, फलन यहाँ पर जो है ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है ये अब आपका सही होगा। इसमें केवल आपको सही विकल्प ही चुनना है, तो ये कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये मान आपका आया है। सेम ऐसा यहाँ पर देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, f(x) = 3x। चलिए अगर आप लोग एक एक की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया गया रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, तो आपको पता है कि f(x1) = f(x2), ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं मान लेते हैं। तो अगर आपने x1 रखा तो ये कितना आएगा, 3x1। अगर यहाँ पर x2 रखा तो कितना आएगा, 3x2। 3 से 3 कट जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो मतलब फलन एकैकी है। आच्छादक के लिए ध्यान दीजिए, अगर आच्छादक की बात करें तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि f(x) = y। f(x) का मान रखिए आप 3x = y, x = y/3। अब देखिए आप यहाँ पर y का कोई भी मान रख लीजिए, इसके सभी मानों के लिए आपको पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर जो है मिल जाएगा। कोई भी मान आप y का रखिए, ठीक है, प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है आपका वो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। रियल नंबर में आपकी सभी वास्तविक संख्याओं में माइनस प्लस इसके अलावा दशमलव सभी संख्याएं आपकी आ जाती है, ठीक है? तो इसलिए आप वाई का कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब होगा, अतः फलन आच्छादक है। यहां पर जो फलन दिया गया है आपका ये आच्छादक है। तो कुल मिला के अब ये जो फंक्शन था आपका, ये यहां पर जो है एकैकी भी है और आच्छादक भी है। इसका मतलब इसका कौन सा विकल्प सही है? पहला, जहां पर कह रहा है कि f जो है एकैकी आच्छादक है, तो ये अब आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बाकी ये बहुएक कह रहा था तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर एकैकी है आच्छादक नहीं, ये भी गलत है। ना तो एकैकी ना ही आच्छादक, ये भी गलत। तो इसका पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा।
इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही विकल्प चुनने के लिए आपको ये पता करना चाहिए कि क्या ये यहाँ पर संभव है या नहीं। सारे विकल्प जरूर चेक करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आपकी विविध प्रश्नावली बची जिसमें 4-5 क्वेश्चन है, बाकी कुल मिला के आपका मैथ का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।